हाय फ्रेंड्स, हो गई है सुबह और मैं खा रही हूँ स्ट्रॉबेरी। नाश्ता मैंने कर लिया था, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा स्ट्रॉबेरीज खा लूँ। और बहुत ही फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं जो कि मैं इन्हें खाने वाली हूँ, तो मैं मिलती हूँ खा के। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। और रमज़ान आने वाला है और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी प्रिपरेशंस कर लूँ। वैसे मेरे पंखे की आवाज़ से मेरी आवाज़ जा रही होगी, तो उसके लिए थोड़ी सी माजरत। और फिलहाल देखो, आज मैंने सोचा कि मैं जो इतने दिन से लेकर आई हुई थी कटिंग बोर्ड, मैं उसको ज़रा इस्तेमाल करूँ। तो ये रहा, इसको मैं निकालूँगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो मैं इसको निकालूँगी और फिर इसके अंदर मैं अपनी वेजिटेबल्स काटूंगी, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ फ्रीज करने के लिए। फ्रीज करने के लिए मैं बनाने लगी हूँ रोल। रोल बना के फ्रीज कर लूँगी रमज़ान के लिए। तो इस पे काटूंगी मैं, और ये काटूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसे काटने खोलने के लिए मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था। मैंने अम्मी से बोला खोलूं, अम्मी का मैं सर खोलूं। इसको बैक रखते हैं, इसको फ्रंट कर देते हैं। और चलो सब्जियों का स्टार्ट करते हैं। पहले छीलूंगी गाजर। गाजर के मैंने करने छोटे छोटे टुकड़े, तो देखूंगी कि मैं कितने गाजर यूज करती हूँ। और ये मैंने कचरा कर लिया। अब मैं करूंगी शिमला मिर्च को कट ऐसे। मेरा किचन खाली करने से तेरा क्या? शुक्र है छुरी ला दी आपने। शिमला मिर्च को कट करना है। तो बनेगी ऐसी, बट ये बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी, इसलिए ये नहीं करती। सिर्फ बंद गोभी श्रेड करूँ। मैं
तो मैंने ये लाइट जुगाड़ से लगा ली, एक ये लाइट और एक ये लाइट। अब मैं ये लाइट जला के दिखा रही हूँ। ये मेरे चूल्हे पे लाइट आ गई। तो मैंने अब रिंग लाइट की जगह मैंने ये लगा ली, और ये रही मैं। और ये मैंने एल्युमिनियम फॉइल बिछा ली, क्योंकि वुड पे मुझे नहीं तसल्ली हो रही थी, सारा जो इसका वो था गीला जूस बोलूँ क्या बोलूँ, तो वो इसमें जा रहा था, मुझे नहीं हो रहा था, मज़ा आ रहा था। मैंने इस पे एल्युमिनियम फॉइल लगा ली। अब मैं गाजर काटने लगी हूँ। अगर मैं गाजर को श्रेड करूं तो लो, वीडियो तो प्ले ही नहीं की थी मैंने। बाकी कट स्प्रिंग अनियन काटना है, ये भी बारीक बारीक। मैंने करना है चिकन को कुक, तो अब मैं ले रही हूँ इसमें ऑयल। ऑयल करूँगी गरम। ज़्यादा ऑयल चाहिए नहीं, क्योंकि इसको बस पकाना है और श्रेड करना है और सब्जियों में डालना है। ऑयल में डालूंगी चिकन, चिकन के साथ ही अदरक, और इसे करूंगी थोड़ा सा पानी, नमक,
और बस। मैं इसको रख दूंगी ताकि ये गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। वैसे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्चें भी डाल ही देती हूँ वरना फीकी फीकी लगेगी। थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इतनी। इसके बाद कुछ नहीं, इसको गलने छोड़ूंगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इसको श्रेड करूंगी और बाकी का काम करूंगी। ये मेरी चिकन हो गई है, इसको अब मैंने श्रेड करना है। ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे शेयर करेंगे। दोबारा से इसमें मैं पतीली को करूंगी गरम। फिर से लिया मैंने ऑयल, ये उसमें से निकाल लिया था थोड़ा सा, इसमें सबसे पहले गाजर, हरी प्याज, हरी प्याज का भी पानी होता है। वैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं कि कैसे बनेंगे, रेसिपी देख के बना रही हूँ कंफ्यूजन से, तो लेट्स सी कि मैं उस तक आती हूँ या नहीं। प्याज भी हो गई है तो अब मैं बंद गोभी डाल दूंगी। बंद गोभी ऐसी चीज है जो अपनी हालत नहीं छोड़ती, मतलब किस तरह काट लो वो उसी तरह ही रहेगी, गल जाएगी लेकिन रहेगी वो वैसी। फाइन भी चॉप किए हुए मैंने और इसके बाद अब मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च।
फिश के साथ जाएगा चिकन। मैं कोई गड़बड़ ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अभी इसको मैं ढक दूंगी। सब्जी गल रही है, मैं डालूंगी मसाला। वन थर्ड चम्मच नमक, काली मिर्च, क्योंकि नमक मैंने उसमें भी डाला हुआ है चिकन में, आधा चम्मच सोया सॉस, और इतू सा चाट मसाला। ये रही सब्जी। सब्जी में डालेगा ये सब मसाले। खुशबू अच्छी आ रही है। चाय भी बनानी है बेटा? बनाती हूँ। और आ गया मेरे पास चाय का ऑर्डर, क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्च तो ऐड करी नहीं रही। ये 15 रोलों के हिसाब से बहुत है वैसे। अब बस इसका पानी खुश्क होगा, फिर मैं इसको ठंडा करूंगी और फिर मैं इसको फिलिंग करूंगी। ऐसे करके ऐसे ऐसे याला, ये तो शॉर्ट रोल्स हो गए। रोल के बच्चे बनेंगे क्योंकि ये पट्टियां ही छोटी हैं। ऐसे करके ये चिपक जाएगा। मैं ये लेकर बना के फिर आती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाए। अब मैं समोसे करने लगी हूँ क्योंकि ये इतना सा बच गया, इतना सा बच गया ये, तो मैंने कहा इसको रोलों की पट्टियों में डाल लेती हूँ। बाहर से 2-3 ही रोल बनेंगे।
जरूर आएंगे। आते नहीं हैं पर चलो ट्राई करते हैं। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे बनता है? वाह भाई वाह, मैंने रोल बना लिया, आई मीन समोसा बना लिया मैंने। और ये मेरा आखिरी समोसा, होपफुली यही सही बन जाए। ये दिल तुम पे आया है आते आते, ये आ गया, ये आ गया। ये आ गया और ये आ गया। चलो
जैसे तैसे भी बने खाने तो मैं नहीं है। खुले नहीं बस, बाकी खैर है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें उस पर और शेयर करें। और कोशिश करूँगी कि मैं अपनी पूरी रमज़ान प्रिपरेशन और फिर रमज़ान सारा मैं वीडियो शेयर करती रहूँ आप लोगों के साथ कि मेरा रमज़ान कैसा गुजरा। फ़िलहाल ये थी एक प्रिपरेशन और इसके बाद फिर देखते हैं मैं क्या और करती हूँ। तो मेरे साथ बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और बस खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।